दिवस के उत्सव पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय एवं समस्त गुरुजनों को दंडवत प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस, इसके मध्य में शब्द आता है क्रांति। क्रांति ऐसा ओजपूर्ण और भावों को प्रकट करने वाला शब्द है जिसका विस्तार से व्यक्त करना बहुत कठिन पड़ता है। क्रांति, क्रांति चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर किसी कार्यभार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी अपने महिला अधिकारी किसी भी विभाग पे हो, क्रांति हर क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। जैसे हमारे वीर सपूतों ने प्राण छावर कर दिए हम अपनी देश के दादी के, उस पर उन्होंने अनेकों अनेक आंदोलन एवं अनेकों अनेक क्रांतिकारियों ने अनेकों अनेक ऐसे आंदोलनों की रचना करी जिससे अंग्रेजों को भारत से वापस अपने क्षेत्र जाना पड़ा। ऐसे ही आज के अपने युग में भी क्रांति कुछ ना कुछ चीजों के लिए करते रहते हैं, जैसे हिंदी संस्कृत भाषा के लिए आचार पाणिनि ने एक शब्दानुशासन लाकर शब्दों के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय। इसलिए आचार पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन लाकर के उन शब्दों को परिष्कृत करा, ये एक शब्द क्रांति है। ऐसे ही शिक्षा पर क्रांति है, इसलिए विद्यार्थियों को जीवन में अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य क्रांति बनाए रखनी चाहिए जिससे कि अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते रहें। क्रांति हमें आगे तक बढ़ने का मौका देती है, क्योंकि अगर हम अपने अंदर ओजपूर्ण भाव नहीं रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने ओजपूर्ण भाव द्वारा स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादियों का बेड़ा उठाया था। जैसे भगत सिंह ने ओजपूर्ण भाव से भवन पर बम फेंक करके उस भवन का मर्यादा को भंग किया। ऐसे ही हम अपने अंदर भी ओजपूर्ण भाव ला करके शिक्षा क्षेत्र में भी अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और अपने विद्या पर, जैसे आजकल विद्या पर विशेष पाश्चात्य लोगों का कुठाराघात हो रहा है। आजकल संस्कृत भाषा अधोगति को जा रही है, कोई संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता है, कोई यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहता है। ये पाश्चात्य वस्तु को अपनाने के लिए हमें एक स्वदेशी क्रांति लानी होगी जिससे हम अपने देश की संस्कृति और शिक्षा को ना भूल सकें, जिससे हम अपने सनातनी संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ा सकें और दिखा सकें कि भारत अपने उसी शिक्षा के बल पर विश्वगुरु पहले भी था और आज भी रहेगा और आगे भी रहेगा। जय जय।